नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ के बारे में मैंने आप लोग को फुल डिटेल की वीडियो बनाई थी कि आठवीं से नौवीं में आ रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, एकेडमिक सेशन क्या क्या होगा और आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी, बोर्ड की क्या क्या नोटिफिकेशन अब तक आ चुकी है, सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बना के आप लोग को, 7 से 8 मिनट की वीडियो थी, उसे आप लोग देख लीजिएगा। उसको मैंने पूरा का पूरा कवर करा दिया है। नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरी की पूरी चीजें मैंने बताई है। आइए, मैंने आप लोगों से उस वीडियो में वादा किया था कि आपको सब्जेक्ट क्या क्या होती हैं, 6 ही सब्जेक्ट लेनी होती है तो आप क्या क्या ले सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अधिकतर बच्चे लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट अधिकतर बच्चे लेते हैं और कौन कौन सी आप ले सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार, ठीक है। तो आइए सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में देखिए, यूपी बोर्ड में जो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं यूपी बोर्ड में, वो आपके सब्जेक्ट्स हैं 6, ठीक है। देखिए, एक सब्जेक्ट तो आपको लेना ही लेना होगा, वो कौन सी सब्जेक्ट है, हिंदी की। देखिए, हिंदी तो आपको लेनी ही लेनी होगी, हिंदी आपको लेनी ही होगी क्योंकि ये आपकी मॉन्डिट्री होती है, मातृभाषा आपकी है, ठीक है, तो हिंदी लेना ही लेना है। दूसरी सब्जेक्ट आपकी कौन सी आती है, ठीक है, दूसरी सब्जेक्ट आप देखेंगे अंग्रेजी की। देखिए, अंग्रेजी आप छोड़ भी सकते हैं, ऑप्शन में होता है, लेकिन इंग्लिश मॉन्डेटरी है। और एक चीज और भी ध्यान दीजिएगा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में यदि आप हिंदी में फेल हो रहे हैं तो बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल भी माने जाएंगे, इसलिए हिंदी का महत्व तो भी है, ठीक है। और किसी ने कहा भी था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, उन्होंने ये नारा दिया था, तो इसलिए हिंदी का बड़ा महत्व आज से नहीं, बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ, ठीक है। अब चलिए, हिंदी इंग्लिश और आपकी सब्जेक्ट होगी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का मतलब गणित, मैथमेटिक्स, ये आपकी तीसरी सब्जेक्ट बन रही है, ठीक है। चलिए चौथी सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, चौथी सब्जेक्ट आपकी क्या बन सकती है, चौथी सब्जेक्ट आपकी बन सकती है साइंस। ये सभी बच्चे लेंगे, साइंस वर्ग के बच्चे, सभी बच्चे साइंस लेंगे, ठीक है, साइंस, ठीक है, साइंस यानी कि विज्ञान और हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स साइंस। उसके बाद अगली आपकी जो सब्जेक्ट होगी वह है आप लोग की साइंस के अलावा SST, सोशल साइंस कह लीजिए, इसे पूरा का पूरा नाम लिख देता हूं, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस। ये रही आपकी 5 सब्जेक्ट, ठीक है। नॉर्मली साइंस वर्ग के बच्चे इन्हीं 5ों को लेते हैं, एक सब्जेक्ट और होती। कहोगे सर आपने 6 लिखा है तो 6 सब्जेक्ट में थोड़ा सा इधर चले आइए, आप ड्राइंग ले सकते हैं 6वीं सब्जेक्ट के रूप में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ड्राइंग, किसी बच्चे को ड्राइंग बनाना नहीं आता है, संस्कृत बहुत पसंद है, वो संस्कृत ले सकता है, ठीक है, संस्कृत ले सकता है, ठीक है। किसी बच्चों को संस्कृत भी नहीं पसंद है तो बच्चियां इसके जगह पे ऑप्शन में क्या ले सकती हैं, होम साइंस को ले सकती हैं, होम साइंस को, ठीक है, क्या ले सकती हैं, होम साइंस को, ठीक है। 1 मिनट, होम साइंस, अरे यार कितनी गलती हो रही है, होम साइंस ले सकते हैं, ठीक है, होम साइंस बच्चियां ले सकती हैं। इसके जगह पे क्या हो सकता है, जिन बच्चों की उर्दू होती है उर्दू की सब्जेक्ट वो ले सकते हैं, ठीक है, जिनको उर्दू आती है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कोई अंग्रेजी नहीं ले रहा है, किसी की अंग्रेजी बहुत कमजोर है, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहता है, तो अंग्रेजी छोड़कर इनमें से 2 सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे मान लो ड्राइंग, ठीक है, और उसने ड्राइंग भी लिया होम साइंस भी लिया, कोई बच्ची अंग्रेजी छोड़ना चाहती है तो अंग्रेजी यदि छोड़ दी उसने और ड्राइंग और होम साइंस ले लिया तब भी उसकी 6 सब्जेक्ट हो जाएंगी, हिंदी मैथ साइंस सोशल साइंस ड्राइंग और संस्कृत। यदि किसी बच्ची की मान लीजिए मैथ भी कमजोर है, वो भी वो छोड़ रही है या बच्चा छोड़ रहा है, तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, इनमें से एक और ले सकता है, संस्कृत भी ले ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक कोई छूट गया क्या, एक, अच्छा इसे भी छोड़ दिया, हाँ जिसने इसको भी छोड़ा, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो कहने का मतलब यह है कि सब्जेक्ट आप अपने अनुसार चुन सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट ऐसा लीजिए जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर रहे, ठीक है, ऐसा सब्जेक्ट ना ले लीजिए ताकि उससे आगे आप किसी कंपटीशन में बैठ ना सके, आगे उसका कोई महत्व तो ना रह जाए, तो इस चीज का विशेष ध्यान देंगे।
सब्जेक्ट चूज करते समय आपको विशेष ध्यान देना है। नॉर्मली आपको मैंने शुरू में जो 6 सब्जेक्ट बताई थी वही सब्जेक्ट आपको लेनी चाहिए। कौन कौन सी सब्जेक्ट है, मेरा ओपिनियन है, किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है, किसी को कोई भी चीजें पसंद हो वो बात अलग है। आप हिंदी ले लें, इंग्लिश ले लें, ठीक है, इंग्लिश को भी आप ले लें क्योंकि इनका भविष्य में बड़ा महत्व है। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम 10वीं तक तो पढ़ना ही चाहिए आपको मैथमेटिक्स। तीन हो गई, साइंस जरूरी है, SST जरूरी है, और एक आप इनमें से अपनी रुचि के अनुसार ले लें इन सब्जेक्टों में से, ठीक है। कहने का मतलब है कि इंग्लिश और मैथ को आप न छोड़ें, ये मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है। गणित और अंग्रेजी को न छोड़ें क्योंकि भविष्य में इनका काफी महत्व है, क्योंकि आने वाले समय में जब आप इंजीनियरिंग सेक्टर में जाएंगे तो गणित के बिना जा ही नहीं पाएंगे। आने वाले समय में यदि आपको नीट की तैयारी करनी है या फिर मेडिकल क्षेत्र में जाना है तो साइंस के बिना आप नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप विशेष ध्यान देंगे इन सारी चीजों का, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि यह आपका जो सब्जेक्ट बताया हूं 9th के स्टूडेंट्स के लिए आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा, अगले क्लास में मैं मिलूंगा, जो मैं आप लोग की क्लासेज स्टार्ट कर रहा हूं अपने चैनल पे इन सब्जेक्ट की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की और साइंस की, जो कि नॉर्मली कोचिंग्स में पढ़ाई जाती हैं। तो कोचिंग ही है आपकी, फ्री कोचिंग है, 1 रुपया आपको देना नहीं है। यदि आप तन मन धन से घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से केवल अपना नेट खर्च कर रहे हैं, वैसे भी नेट आप खर्च करते ही हो, कहीं रील्स देखने में, कहीं किसी चीज को देखने में, तो आप पढ़ाई पे लगाओ, विश्वास मानिए जितना बढ़िया बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा उतना आपको कोचिंग में भी शायद जाके ना मिले, क्योंकि यहाँ आप अपने घर में बैठ के भाग दौड़ से बचकर और बेहतर कंटेंट पा सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रहेगा, लेकिन एक चीज समझिए कि मैं इंग्लिश में कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कितना पढ़ना है, और साइंस में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें मैं आप लोग को अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, एक एक सब्जेक्ट वाइज, इंग्लिश का अलग से, मैथ का अलग से और साइंस का अलग से। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।